ॐ नमः चण्डिकायै। भगवती का काली रूप में भगवान शंकर को दर्शन देना। भगवान शंकर द्वारा काली के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करना तथा सहस्त्र नाम द्वारा देवी की स्तुति। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि पुनः कभी भी उनके पास जा नहीं सकी। मुने, वह अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस वड़वारूपिनी अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना कर उसके जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन में जगन माता सुमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे स्वामी पुनः जीवित हो जाएंगे। तदनंतर उन्होंने भगवान महादेव से कहा, देव, मुझ आदिशक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या की, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट हो जाने पर आपको पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योगियों का धर्म है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उस समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आद्या प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्ण प्रकृति के रूप में जानता हूँ। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से मैं तपस्यारत हूँ। आज मैं कृतकृत्य हूँ जो आप साक्षात परात्पर को सुंदर अंगों वाली अपनी प्रिया सती के समान अपने सामने देख रहा हूँ। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूँ। जो जिस भाव से भक्तिपूर्वक मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसी भाव से उसके मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। शंभो, मैं वही सती हूँ जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रैलोक्य मोहिनी हूँ। शिव जी बोले, यदि आप ही मेरी प्राण प्रिया सुलोचना सती हैं, तो जिस प्रकार दक्ष प्रजापति के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमयी भयंकर रूपिणी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, अपने उसी स्वरूप को हमें दिखाइए। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, भगवान शंभु के ऐसा कहने पर वह गिरिराज पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल के समान कांति वाली साक्षात काली रूप से प्रकट हो गई। वह दिगंबरा थी। उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फैली हुई थी। उनके वक्ष स्थल पर पुष्ट उन्नत उरोज शोभा पा रहे थे। पैरों तक लटकते हुए लंबे केश पास से उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीव और चमकते हुए दांत तथा नखों से वे उसी प्रकार सुशोभित थी जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने से मेघमाला सुशोभित हो। घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वह उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। चार लंबी भुजाओं से वह ज्योतिर्मयी सुशोभित हो रही थी और नाना वर्णों के रत्नों से जटित मुकुट को धारण करके उनका मस्तक शोभायमान था। महामुने, रोमांचित शरीर वाले प्रसन्नात्मा भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया था। आप महेश्वरी मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति हैं। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय कमल में धारण तथा उनकी आराधना करके आपके विरह से संतप्त हुए अपने हृदय को शीतल करूंगा। परम योग में स्थित हुए भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर शव रूप में स्थित हो गए और परम आदर पूर्वक घूर्णित नेत्र से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंचवक्त्र रूप में सामने स्थित होकर
हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा परमेश्वरी काली की स्तुति करने लगे। शिव उवाच अनाद्या परमा विद्या प्रधाना प्रकृतिः परा प्रधान पुरुषाराध्या प्रधान पुरुषेश्वरी प्राणात्मिका प्राणशक्ति सर्व प्राणहितैषिणी उमा चोत्तम केशिन्यनुत्तमा चोन्मत्त भैरवी ऊर्वशी चोन्यता चोग्रामहोग्रा चोन्यतस्तनी उग्रचण्डोग्रनयना महोग्रदैत्यनाशिनी उग्रप्रभावती चोग्रवेगानुप्रमर्दिनी उग्रतारोग्रदयना चोर्ध्यस्थान निवासिनी उन्मत्तनयना उत्युग्रदन्तोत्तुङ्गस्थलालया उल्लासिन्योल्लासिचिता चोत्फुल्लनयनोज्ज्वला उत्फूलकमलारूढा कमला कामिनी कला काली करालवदना कामिनी मुखकामिनी कोमलांगी कृशांगी च कैटभासुरमर्दिनी कालिंदी कमलस्था च कांता काननवासिनी कुलीना निष्कला कृष्णा कालरात्रिस्वरूपिणी कुमारी कामरूपा च कामिनी कृष्णपिंगला कपिला शांतिदा शुद्धा शंकरार्धशरीरिणी कौमारी कार्तिकी दुर्गा कौशिकी कुंडलोज्ज्वला कुलेश्वरी कुलश्रेष्ठा कुंतलोज्ज्वलमस्तका भवानी भाविनी बाणी शिवा च शिवमोहिनी शिवप्रिया शिवाराध्या शिवप्राणैकवल्लभा शिवपत्नी शिवस्तुत्या शिवानन्दप्रदायिनी नित्यानन्दमयी नित्या सच्चिदानन्द विग्रहा त्रैलोक्यजननी शम्भुर्दयास्था सनातनी सदया निर्दया माया शिवा त्रैलोक्यमोहिनी ब्रह्मादि त्रिदशाराध्या सर्वभीष्टप्रदायिनी ब्रह्माणि ब्रह्मगायत्री सावित्री ब्रह्म संस्तुता ब्रह्मोपास्या ब्रह्मशक्तिर्ब्रह्म सृष्टिविधायिनी कमण्डलूकरा सृष्टिकर्त्री ब्रह्मस्वरूपिणी चतुर्भुजात्मिका यज्ञसूत्ररूपा दृढप्रता हंसारूढा चतुर्वक्त्रा चतुर्वेदा विसंगस्तुता वैष्णवी पालनकरी महालक्ष्मीर्हरिप्रिया शंखचक्रधरा विष्णुर्शक्तिर्विष्णुस्वरूपिणी विष्णुप्रिया विष्णुमाया विष्णुप्राणैकवल्लभा योगनिद्राक्षरा विष्णुमोहिनी विष्णुसंगस्तुता विष्णुसम्मोहनकरी त्रैलोक्यपरिपालिनी शंखिनी चक्रिणी पद्मा पद्मिनी मुशलायुधा पद्मालया पद्महस्ता पद्ममाला विभूषिता गढूरस्ता चारुरूपा संपद्रूपा सरस्वती विष्णुपार्श्वस्थिता विष्णुपरमाह्लाददायिनी संपत्ति संपदाधारा सर्वसंपत्प्रदायिनी श्री विद्या सुखदा सौख्यदायिनी दुखनाशिनी दुःखहंत्री सुखकरी सुखासीना सुखप्रदा सुखप्रसन्न वदना नारायण मनोरमा नारायणी जगद्धात्री नारायण विमोहिनी नारायण शरीरस्था वनमाला विभूषिता दैत्यग्नि पीतवसना सर्वदैत्यप्रमर्दिनी वाराही नारसिंही च रामचंद्रस्वरूपिणी रक्षोग्नि कानना वासा च हल्यशापमोचिनी सेतुबंधकरी सर्वरक्षक कुलविनाशिनी सीतापतिव्रता साध्वी रामप्राणैकवल्लभा अशोक कानना वासा लंकेश्वर विनाशिनी नीति सुनीति सुकृति कीर्ति मेधा वसुंधरा दिव्यमाल्यधरा दिव्या दिव्यगंधानुलेपना दिव्यवस्त्र परिधाना दिव्यस्थान निवासिनी माहेश्वरी प्रेत संस्था प्रेत भूमि निवासिनी निर्जनस्था श्मशानस्था भैरवी भीमलोचना सुघोर नयना घोरा घोर रूपा घन प्रभा घनस्तनी वरा श्यामा प्रेत भूमि कृतालया खटवांग धारिणी द्वीपिचर मांबर सुशोभना महाकाली चंड वक्त्रा चंड मुंड विनाशिनी उद्यान कानना वासा पुष्पोद्यावन प्रिया
बलिप्रियामांस भक्षा रुधिरा सब भक्षिणी भीम रावा साट्टहासा रण नृत्यापरायणा असुरासिक प्रिया तुष्टा दैत्य दानव मर्दिनी दैत्य विद्राविणी दैत्य मथनी दैत्य सूदिनी दैत्यग्नि दैत्य हंत्री च महिषासुर मर्दिनी रक्तवीज निहंत्री च शुंभासुर विनाशिनी निशुंभ हंत्री धूम्राक्ष मर्दिनी दुर्गहारिणी दुर्गासुर निहंत्री च शिवदूती महाबला महाबलवती चित्रवस्त्रा रक्तांबरामला विमला ललिता चारुहासा चारु त्रिलोचना अजेया जयदा ज्येष्ठा जयशीला पराजिता विजया जाह्नवी दृष्टजुम्भिणी जयद्वाहिनी अजेया जयदा ज्येष्ठा जयशीला पराजिता विजया जाह्नवी दृष्टजुम्भिणी जयदायिनी जयद्रक्षाकरी सर्वजगच्चैतन्यकारिणी जया जयंती जननी जनभक्षण तत्परा जलरूपा जलस्था च जप्य जाप कवस्थला जाज्वल्यमाना यज्ञाशा जन्मनाश विवर्जिता जरातीता जगन्माता जगद्रूपा जगद्मयी जंगमा ज्वालिनी जृंभास्त्रंभिनी दुष्टतापिनी त्रिपुरग्नि त्रिनयना महात्रिपुरतापिनी तृष्णा जाति पिपासा च बुभुक्षा त्रिपुर प्रभा त्वरिता त्रिपुटात्यक्षा त्वंतीताप विवर्जिता त्रिलोकेशी तीव्र वेगा तीव्रा तीव्र बलालया निशंका निर्मलाभा च निरातंकामल प्रभा विनीता विनयभिज्ञा विशेषज्ञा विलक्षणा वरदा वल्लभा विद्युत प्रभा विनयशालिनी बिंभोष्टी विदुभक्त्रा च विवस्त्रा विनय प्रभा विश्वेशपत्नी विश्वात्मा विश्वरूपा बलोत्कटा विश्वेशी विश्ववनिता विश्वमाता विचक्षणा विदुषी विश्वविदिता विश्वमोहनकारिणी विश्वमूर्तिर्विश्वधरा विश्वेशपरिपालिनी विश्वकर्त्री विश्वहर्त्री विश्वपालन तत्परा विश्वेश हृदयावासा विश्वेश्वर मनोहरा विश्वहा विश्वनिलया विश्वमाया विभूतिरा विश्वा विश्वोपकारा च विश्वप्राणात्मिका च विश्वप्रिया विश्वमयी विश्वदुष्ट विनाशिनी दाक्षायनी दक्षकन्या महायज्ञ विनाशिनी विश्वंभरी वसुमती वसुधा विश्वपावनी सर्वातिशयनी सर्वदुःख दारिद्रहारिणी महाविभूति रव्यक्ता शाश्वती सर्वसिद्धिदा अचिंत्या चिंत्या रूपा च केवला परमात्मिका सर्वज्ञा सर्वविषया सर्वोपरिपरायणा सर्वस्यार्तिहरा सर्वमंगला मंगलप्रदा मंगलार्हा महादेवीं सर्वमंगलदायिका सर्वांतरस्था सर्वार्थरूपिणी च निरंजना चित्शक्तिश्चिन्मयी सर्वविद्या सर्वविधायिनी शान्तिशान्तिकरी सौम्या सर्वसर्वप्रदायिनी शान्ति क्षमा क्षेमकरी क्षेत्रज्ञा क्षेत्रवासिनी क्षणात्मिका क्षीणतनु क्षीणांगी क्षीण मध्यमा क्षिप्रगा क्षेमदा क्षिप्ता क्षणदा क्षणवासिनी वृत्ति निर्वृत्ति भूतानां प्रवृत्ति वृत्तोलोचना क्षिप्रगा क्षेमदा क्षिप्ता क्षणदा क्षणवासिनी वृत्ति निर्वृत्ति भूतानां प्रवृत्ति वृत्तलोचना व्योम मूर्तिर्व्योम संस्था भूयोमालय कृताश्रया चंद्रानना चंद्रकांति चंद्रार्धांकितमस्तका चंद्रप्रभा चंद्रकला शरच्चंद्र निभानना चंद्रात्मिका चंद्रमुखी चंद्रशेखर वल्लभा चंद्रशेखर वक्षस्था चंद्रलोक निवासिनी चंद्रशेखर शैलस्था चंचला चंचलेक्षण छिन्नमस्ता छागमांस प्रिया छागवली प्रिया ज्योत्स्ना ज्योतिर्मयी सर्वज्ञासिनी जीवनात्मिका सर्वकार्य निहंत्री च सर्वभूतहितैषिणी गुणातीता गुणमयी त्रिगुणा गुणशालिनी गुणैक निलया गौरी गुह्य गोपकुलोद्भवा गरीयसी गुरुरता गुह्यस्थान निवासिनी गुणज्ञा निर्गुणा सर्वगुणार्हा गुह्यकम्बिका गलज्जटा गलत्केशा गलद्रुधिरचर्चिता गजेन्द्रगमना गंत्री गीतनृत्यपरायणा गमनस्था गयाध्यक्षा गणेश जननी तथा गान प्रिया गानरता गृहस्था गृहिणी परा गजसंगस्था गजारूढ़
ग्रसन्ति गरुडासन। योगस्था योगिनी गम्या योग चिंत्या परायणा, योगी ध्येया योगी वंद्या योग लक्ष्म्या युगात्मिका, योगी ज्ञेया योग युक्ता महायोगेश्वरेश्वरी, योगानुरक्ता युगदा युगांत जलद प्रभा, युगानुकारिणी यज्ञ रूपा सूर्य सम प्रभा, युगांता नील वेगा च सर्व यज्ञ फल प्रदा, संसार योनि संसार व्यापिनी सकलास्पदा, संसार योनि संसार व्यापिनी सकलास्पदा, संसार उतरुणी सेव्या संसारार्णवतारिणी, सर्वार्थ साधिका सर्वा संसार व्यापिनी तथा संसार वंदह कर्त्री च संसार परिवर्जिता, दुर्निरीक्षा सुदुष्प्राप्या भूतिर्भूति मतित्यपि, अत्यंत विभवा रूपा महाविभव रूपिणी, शब्द ब्रह्म स्वरूपा च शब्द यो निष्परात्परा, भूतिदा भूतिमाता च भूतिस्तंद्री विभूतिदा, भूतांतरस्था कुटस्था भूतनाथ प्रियांगना, भूतमाता भूतनाथा भूतालय निवासिनी, भूतनृत्य प्रिया भूतसंगिनी भूतलाश्रया, जन्म मृत्यु जरातीता महापुरुष संगता, भूजगा तामसी व्यक्त्या तमो गुणवती तथा, त्रितत्व तत्व रूपा च तत्वज्ञा तत्वक प्रिया, त्र्यंबका त्र्यंबकारता शुक्ला त्र्यंबक रूपिणी, त्रिकालज्ञा जन्महीना रक्तांगी ज्ञान रूपिणी, अकार्या कार्य जननी ब्रह्माख्या ब्रह्म संस्थिता, वैराग्य युक्ता विज्ञान गम्या धर्म स्वरूपिणी, सर्वधर्म विधानज्ञा धर्मिष्ठा धर्म तत्परा, धर्मिष्ट पालन करी धर्म शास्त्र परायणा, धर्म धर्म विहीना च धर्म जन्य फल प्रदा, धर्मिणी धर्म निरता धर्मीना मिष्टदायिनी, धन्या धीर्धारणा धीरा धन्वनी धनदायिनी, धनुष्मती धरा संस्था धरणी स्थिति कारिणी, सर्वयोनि विश्वयोनि अपांग योनि रयोनि जा, रुद्राणि रुद्रवनिता रुद्रैकादश रूपिणी, रुद्राक्षमालिनी रौद्रा भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, ब्रह्मोपेन्द्र प्रबंधा च नित्य मुदित मानसा, इंद्राणी वासवी चैन्द्री विचित्रैरावत स्थिता, सहस्र नेत्रा दिव्यांगा दिव्य केश विशालिनी, दिव्यांगना दिव्य नेत्रा दिव्य चंदन चरचिता, दिव्यालंकारणा दिव्य श्वेत चामर बीजिता, दिव्यहारा दिव्य पदा दिव्य नूपुर शोभिता, केयूर शोभिता हृष्टा हृष्ट चित्त प्रहर्षिणी, संपदृष्ट मना हर्ष प्रसन्न वदना तथा, देवेंद्र वंद्य पादाब्जा देवेंद्र परिपूजिता, रजसा रक्त नयना रक्त पुष्प प्रिया सदा, रक्तांगी रक्त नेत्रा च रक्तोत्पल विलोचना, रक्ताभा रक्त वस्त्रा च रक्त चंदन चर्चिता, रक्ते क्षणा रक्त भक्ष्या रक्त मत्तो रगाश्रया, रक्त दंता रक्त जिह्या रक्त भक्षण तत्परा, रक्त प्रिया रक्त तुष्टा रक्त पानस्तु तत्परा, बंधूक कुसुमाभा च रक्त माल्यानुलेपना, स्फुरद रक्तांचितनु स्फुरद सूर्यशत प्रभा, स्फुरन नेत्रा पिंगजटा पिंगला पिंगलेक्षणा, बगला पीत वस्त्रा च पीत पुष्प प्रिया सदा, पीतांबरा पिवत्रक्ता पीत पुष्पोपशोभिता, शत्रुघ्नि शत्रु सम्मोह जननी शत्रुतापिनी, शत्रु प्रमर्दिनी शत्रु वाक्य स्तंभन कारिणी, उच्चाटन करी सर्व दुष्टोत्साहन कारिणी, शत्रु विदारिणी शत्रु सम्मोहन करी तथा, विपक्ष मर्दन करी शत्रु पक्ष क्षयंकरी, सर्वदुष्ट घातिनी च सर्वदुष्ट विनाशिनी, द्विभुजा शूलहस्ता च त्रिशूल वरधारिणी, दुष्ट संताप जननी दुष्ट क्षोभ प्रवर्धिनी, दुष्टानाम क्षोभ संबद्धा भक्त क्षोभ निवारिणी, दुष्ट संतापिनी दुष्ट संताप परिमर्दिनी, संताप परहिता भक्त संताप परिनाशिनी, अद्वैता द्वैत रहिता निष्कला ब्रह्मरूपिणी, त्रिदेशी त्रिलोकेशी सर्वेशी जगदीश्वरी, ब्रह्मेश सेवित पदा सर्ववंद्य पदाम्बुजा, अचिंत रूप चरिता चाचिंत्य वल विक्रमा, सर्वचिंत्या प्रभावा च
स्वप्रभाव प्रदर्शिनी अचिंत्य महिमा चिंत्य रूप सौंदर्यशालिनी अचिंत्य वेश शोभा च लोकाचिंत्य गुणान्विता अचिंत्य शक्ति दुश्चिंत प्रभाव चिंत्य रूपिणी योग चिंत्या महाचिंत्या नाशिनी चेतनात्मिका गिरिजा दक्षजा विश्वजनयित्री जगत प्रसुहु संगम्या प्रणता सर्व प्रणतार्तिहरा तथा प्रणतेश्वर यदा सर्व प्रणता शुभ हराशिनी प्रणतापन्नाशकरी प्रणता शुभ मोचिनी सिद्धेश्वरी सिद्ध सेव्या सिद्धचारण सेविता सिद्धि प्रदा सिद्धिकरी सर्व सिद्ध गणेश्वरी अष्ट सिद्धि प्रदा सिद्ध गण सेव्य पदाम्बुजा कात्यायनी स्वधा स्वाहा वषट बोषट स्वरूपिणी पितृणा तृप्ति जननी कव्य रूपा सुरेश्वरी हव्य भोक्ति हव्य तुष्टा पितृ रूपा सित प्रिया कृष्ण पक्ष प्रपूज्या च प्रेत पक्ष समर्पिता अष्टहास्यादश भुजा चाष्टादश भुजान्विता चतुर्दश भुजा संख्य भुज बल्लिविराजिता सिंह पृष्ठ समारूढ़ा सहस्र भुजराजिता भुवनेशी चान्यपूर्णा महात्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी सौम्यमुखी सुंदर लोचना सुंदरास्या सुभद्रंष्टा शुभ्रू पर्वत नंदिनी नीलोत्पलदलश्यामा स्मेरोत्फुल्ल मुखाम्बुजा सत्यसंध्या पद्मवक्त्रा भ्रुकुटी कुटिलानना विद्याधरी वरारोहा महासंध्या स्वरूपिणी अरुंधती हिरण्याक्षी शुभ्रुमाक्षी शुभेक्षणा श्रुति स्मृति कीर्ति योग माया पुण्या पुरातनी वाग्देवता वेद विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी वेद शक्ति वेद माता वेदाद्या परमागति आवीक्षिकी तर्क विद्या योग शास्त्र प्रकाशिनी धूमावती विद्युन्मूर्ति विद्युन्माला विलासिनी महाप्रता सदानंद नंदिनी नगनंदिनी सुनंदा यमुना चंडी रुद्रचंडी प्रभावती पारिजात वनागासा पारिजात वन प्रिया सुपुष्प गंध संतुष्टा दिव्य पुष्पोपशोभिता पुष्पकानन सद्भासा पुष्पमाला विलासिनी पुष्पमालाधरा पुष्पगुच्छालंकृत देहिका प्रतप्त कांचनाभासा शुद्ध कांचन मंडिता सुवर्ण कुंडलवती स्वर्ण पुष्प प्रिया सदा नर्मदा सिंधुनिलया समुद्रतनया तथा षोडशी षोडश भुजा महाभुज मंडिता पातालवासिनी नागी नागेन्द्र कृतभूषण नागिनी नागकन्या च नागमाता नगालया दुर्गा दुर्गापत्तारिणी दुर्ग दुष्टग्रह निवारिणी अभयापन्निहंत्री च सर्वापत्परिणाशिनी ब्रह्मण्या श्रुतिशास्त्रज्ञा जगतां कारणमात्मिका निष्कारणा जन्महीना मृत्युंजय मनोरमा मृत्युंजय हृदावासा मूलाधार निवासिनी षट्चक्र संस्था महती महोत्सव विलासिनी रोहिणी सुंदरमुखी सर्वविद्या विशारदा सत्सद्वस्वरूपा च निष्काम काम पीड़िता कामातुरा काममत्ता काममानस सत्तनु सत्सद्वस्तुरूपा च निष्काम काम पीड़िता कामातुरा काममत्ता काममानस सत्तनु कामरूपा च कालिंदी कचालंबित विग्रह अतसी कुसुमा भासा सिंह पृष्ठ निषेदुषी युवती यौवनोद्रिक्ता यौवनोद्रिक्त मानसा अतीतिर्देव जननी त्रिदशर्ति विनाशिनी दक्षिणा पूर्व वसना पूर्व काल विवर्जिता अशोक कुसुमा भासा शोक दुख क्षयंकरी सर्वयोषित स्वरूपा च सर्व प्राणी मनोरमा महाश्चर्या मदाश्चर्या महामोह स्वरूपिणी महामोक्षकरी मोहकारिणी मोहदायिनी अशोच्या पूर्ण कामा च पूर्णा पूर्णा मनोरथा पूर्णाभिलषिता पूर्णिशा नाथ समानना द्वादशार्क स्वरूपा च सहस्रार्क सम प्रभा तेजस्विनी सिद्ध्य मात्रा चंद्रानयन रक्षणा अपारा पार महात्म्या नित्या विज्ञानशालिनी विवस्वती हव्यवाहा जातवेद स्वरूपिणी स्वैरिणी स्वेच्छ विहरा निर्वीजा बीज रूपिणी अनंतवर्णा अनंताख्या अनंत संस्था महोदरी दुष्टभूतापहंत्री च सद्वृत्त परिपालिका
कपालिनी पानमत्ता मत्तवारणगामिनी विंध्यस्या विंध्य निलया विंध्य पर्वतवासिनी बंधु प्रिया जगद्बंधु पवित्रा सपवित्रिणी परामृतामृतकला चाप मृत्यु विनाशिनी महारजत संकाशा रजताद्री निवासिनी काशी विलासिनी काशी क्षेत्र रक्षण तत्परा योनि रूपा योनि पीठस्थिता योनि स्वरूपिणी कामालसित चार्वंगी कटाक्ष क्षेप मोहिनी कटाक्ष क्षेप निरता कल्प वृक्ष स्वरूपिणी पाशांकुश धरा शक्तिर्धारिणी खेटकायुधा बाणायुधा मोघ शस्त्रा दिव्या शस्त्रास्त्र वर्षिणी महास्त्र जाल विक्षेप विपक्ष क्षय कारिणी घंटिनी पाशिनी पाशहस्ता पाशांकुश युधा चित्र सिंहासन गता महासिंहासन स्थिता मंत्रात्मिका मंत्रबीजा मंत्राधृष्ट त्रिदेवता सुरूपानेक रूपा च विरूपा बहुरूपिणी विरूपाक्ष प्रियतमा विरूपाक्ष मनोरमा विरूपाक्षा कूटराक्षी कूटस्था कूटरूपिणी करालस्या विशालस्या धर्मशास्त्रार्थ पारगा आध्यात्म विद्या शास्त्रार्थ कुशला शैलनंदिनी नगाध्याज पुत्री च नगपुत्री नगोद्भवा गिरीन्द्रवाला गिरीश प्राणतुल्या मनोरमा प्रसन्ना चारुवदना प्रसन्नास्या प्रसन्नदा शिव प्राणापति प्राणापति सम्मोहन कारिणी मृगाक्षी चंचला पांगी सुदृष्टि हंसगामिनी नित्य कुतूहलपरा नित्यानंदाभिनंदिता सत्य विज्ञान रूपा च तत्वज्ञानैक कारिणी त्रैलोक्य साक्षिणी लोकधर्मा धर्म प्रदर्शिनी धर्मा धर्म विधात्री च शंभु प्राणात्मिका परा मेनका गर्भ संभूता मैनाक भगनी तथा श्रीकंठा कंठहारा च श्रीकंठ हृदयास्थिता श्रीकंठ कंठ जप्या च नीलकंठ मनोरमा कालकूटात्मिका कालकूट भक्षण कारिणी महाकाल प्रिया कालकलनैक विधायिनी अक्षोभ्य पत्नी संशोभनाशिनी ते नमो नमः। श्री महादेव उवाच एवं नाम सहस्त्रेण संस्तुता पर्वतात्मजा वाक्यमेतन्महेशानं उवाच मुनिसत्तम। श्री महादेव जी बोले मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर गिरिराज पुत्री पार्वती जी ने शंकर जी को यह बात कही। श्री देवी जी बोली मैं आपके लिए ही गिरिराज के पुत्री भाव को प्राप्त हुई हूँ। आप मेरे प्राण के समान पति हैं तथा मैं आपकी अनन्य अर्धांगिनी हूँ। आपने मेरे लिए दीर्घ काल तक कठिन तपस्या की है और मैं तपस्या के द्वारा आराधित होकर पुनः आपको पति के रूप में प्राप्त करूँगी। श्री महादेव जी बोले आप श्रेष्ठतम आराध्या सभी की माता तथा परा प्रकृति हैं। इस जगत में आपके लिए कोई भी आराध्य नहीं है। आप अपने कृपा पर्वत्ता आदि गुणों से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। शिवे मैं इसी वर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका यह सुंदर काली रूप स्थापित हो वहाँ मेरे हृदय पर भी कल्याणकारी उस रूप की स्थापना हो। और जगदम्बिके आप इस संसार में शव वाहना महाकाली के नाम से विख्यात होंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रलयकालीन मेघ के समान कांतिमान भगवती काली ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर पुनः गौरी के रूप में पूर्ववत परिणत हो गई। जो व्यक्ति भगवान श्री शंकर के द्वारा कहे गए देवी के इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह देवी के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गंध पुष्प धूप दीप से महेश्वरी की आराधना कर यह स्तोत्र पढ़ता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से इस स्तोत्र के द्वारा देवी को प्रतिदिन स्तुति करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। राजा उसके वशीभूत हो जाते हैं, सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सिंह बाघ आदि हिंसक प्राणी तथा चोर आदि का भय उसको नहीं रहता। वह उन्हें देखने मात्र से दूर से ही भाग जाते हैं। वह अलंघनीय आज्ञा वाला हो जाता है तथा सर्वत्र महान कल्याण को प्राप्त करता है। अंत में दुर्गा जी की स्मृति को प्राप्त कर स्वयं देवी का अंश हो जाता है। ओम नमः चंडिकायै।